हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं अभी रेडी हो रही हूँ, मतलब रेडी हुई नहीं हूँ, रेडी हो रही हूँ क्योंकि आज मुझे जाना है पार्लर सलोन, क्योंकि अप्पी की ब्राइडल बुकिंग के लिए बहुत सारा मुझे सलोन देखना पड़ेगा कि कहाँ ब्राइडल बुकिंग अच्छी होनी है, कहाँ अच्छा मेकअप हो रहा है। तो उसके लिए अभी मुझे जाना है, तो मैं रेडी हो रही हूँ, उसके बाद मैं जाऊँगी। लेकिन उससे पहले मुझे मैंने अपना ब्लड टेस्ट करवाया था क्योंकि मेरा जो हील पेन है वो अभी भी हो रहा है। तो पहले मैं अपनी रिपोर्ट लेने जाऊँगी, डॉक्टर को खुद दिखाऊँगी, उसके बाद फिर मैं सलोन जाऊँगी। तो बहुत काम है अभी, तो पहले चलती हूँ, रिपोर्ट लेती हूँ, उसके बाद फिर सलून चलूंगी। बट उससे पहले एक और ज़रूरी काम है जो कि है पेट पूजा। बहुत भूख लगी है, सुबह का टाइम है और मैं अगर बाहर चली जाऊँगी बिना कुछ खाए तो बाहर भी मैं इतना कुछ खाती नहीं हूँ, तो मेरा दिन ऐसे ही निकल जाएगा भूखे। तो मैंने सोचा पहले नाश्ता कर लेती हूँ। तो मॉम ने बनाई है कीमे की कचौरी, ये मटन का कीमा है और मैदे को गूंद कर इसकी कचौरी बनाई है और अंदर फिलिंग की है मटन की कीमे की। बहुत अच्छा होता है ये कचौरी और काफ़ी टेस्टी लगती है, क्रिस्पी होती है, लेयर होती है, टेस्ट अच्छा होता है। तो ये ब्रेकफास्ट है मेरा, दो है मेरे लिए और ये मैं खाती हूँ, फिर चलूँगी बाहर। मैं आ गई हूँ सलोन में, मतलब सलोन में जा रही हूँ, मैं एंटर करने जा रही हूँ। और क्योंकि रिपोर्ट मैंने ले ली है, डॉक्टर मिले नहीं तो मैं रिपोर्ट दिखा नहीं पाई डॉक्टर को, बट रिपोर्ट मैंने ले ली है। सलोन में आ गई हूँ और अब मैं यहाँ आकर पता करूँगी। वैसे यहाँ दो सलोन हैं, अभी मैं आई हूँ एक नीचे सलोन, इसके ऊपर भी एक सलोन है, मैं वहाँ भी जाऊँगी। दोनों में मैं पता करूँगी क्या बुकिंग है, कैसे बुकिंग करनी है, कौन कौन से उनके पास पैकेजेस हैं, मेकअप के टाइप कौन से हैं और जो भी है उसके अलावा ये सारे मेकअप फिर मुझे अपने घर में भी दिखाने होंगे कि कौन से मेकअप जो है मेरे घर वालों को पसंद है कि वो भी वो पैकेज लेंगे। तो मैंने देखा ब्राइडल को, मतलब ब्राइडल को नहीं देखा, ब्राइडल की पिक्चर्स वगैरह देखी। तो फिलहाल तो अभी इतना कुछ समझ नहीं आ रहा है, बट घर वाले कन्फर्म करेंगे। ये है सेकंड सलोन जिसमें मैं आई हूँ और ये कुछ उन्होंने ब्राइडल की पिक्चर वगैरह लगा रखी थी। आई डोंट नो उनके ब्राइडल उनकी सलोन की थी या कहीं अदर, मत यू ही फैशन मॉडल्स हैं, मुझे पता नहीं, लेकिन सलोन अच्छा है। आई होप मेकअप भी इनका अच्छा हो, पैकेज वगैरह भी अच्छे हैं, ठीक है, ना बहुत महंगे हैं ना बहुत सस्ते हैं, मतलब ठीक है सब कुछ। बट अब देखते हैं कहाँ बुकिंग करनी है। ये सारी चीज़ें मिल रही हैं होली की, क्योंकि होली आने वाली है और सारी चीज़ें पहले से मिलना स्टार्ट हो जाती हैं। तो हर जगह होली का काफ़ी सारा सामान मिल रहा है, कलर मिल रहे हैं, टॉयज़ मिल रहे हैं और मतलब लोग को शॉपिंग करनी है होली से पहले, सब चीज़ें लेके रखते हैं ताकि होली वाले दिन होली खेलें। तो काफ़ी मतलब हर मार्केट में ही बहुत सारी चीज़ें होली की आ गई हैं। तो मैंने भी देखा कुछ चीज़ें, हालांकि मुझे कुछ लेनी नहीं थी लेकिन बहुत सी चीज़ें बहुत अच्छी अच्छी लग रही थी तो मैंने इसको थोड़ा रिकॉर्ड कर लिया। काफ़ी अच्छी चीज़ें आई हैं मार्केट में। मैं हूँ फ़िलहाल घर में बिल्कुल अकेले क्योंकि सब कोई बाहर गया हुआ है और मॉम और मेरी बहन भी गई हैं शॉपिंग करने शादी की, तो मैं अकेली हूँ। तो मैंने सोचा कुछ खाते पीते हैं, भूख लगी है। मैं बना रही हूँ अपने लिए चाय और बहुत ही यूनिक चाय बना रही हूँ मैं आज, मतलब यूनिक क्या, मैं अपनी तरफ से जो भी करती हूँ एड ऑन चीज़ें तो मेरे लिए वो यूनिक हो जाती है। तो अभी क्या है, मैं पहले पानी बॉयल करूँगी चाय की पत्ती डालकर, उसके बाद मैं मिल्क ऐड करूँगी। लेकिन मैं पानी में और भी चीज़ ऐड करूँगी, थोड़े मसाले जैसे कड़पम, उसके साथ थोड़ी सी दालचीनी, ये सब चीज़ें, और अदरक भी, अदरक लौंग, ठीक है। तो अभी मैं दिखाती हूँ। ये रहा थोड़ा सा पानी, क्योंकि मुझे ना दूध वाली चाय ज़्यादा पसंद है, मुझे पानी कम पसंद है चाय में। तो ये थोड़ा सा मैंने पानी लिया है, इसको मैं डालूँगी और इसी पानी को मैं अच्छे से बॉयल करूँगी और बाकी सब सामान भी मैं इसी पानी में ऐड करूँगी। शक्ल तो बहुत अच्छी है और इसकी स्मेल भी मुझे अच्छी लग रही है, तो इसका मतलब टेस्ट भी अच्छा ही होगा। और चाय मैंने पका ली तो 3 मिनट मुझे लगा, और सबसे अच्छी बात ये है कि ये आपकी हेल्थ के लिए ख़राब नहीं है। हम जो चाय पकाते हैं वो धीरे धीरे पकती रहती है, दूध चीनी चाय पत्ती सब कुछ एक साथ डाल देते हैं और वो धीरे धीरे पकती रहती है, तो वो ठीक नहीं है हेल्थ के लिए। चाय को बस पकाना चाहिए 2-3 मिनट, 2-3 मिनट मैं ज़्यादा बता रही हूँ, तो बहुत कम पकाना चाहिए और बॉयल आते ही निकाल लेना चाहिए।
तो मैंने पानी में पहले चाय की पत्ती पका ली, उसके बाद फिर मैंने दूध डालकर सिर्फ 2-3 बॉयल आने तक ही मैंने पकाया है और मेरी चाय रेडी हो गई है। स्मेल इसकी अच्छी है तो टेस्ट अच्छा होगा ही। और शुगर भी मैंने लास्ट में, बिल्कुल लास्ट में ऐड की, क्योंकि शुगर वैसे भी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती, तो शुगर ना ही यूज़ की जाए तो ज़्यादा बेटर है। बट शुगर अगर यूज़ कर रहे हैं तो उसको भी ज़्यादा ना पकाएं, बस डालकर लास्ट में पकाएं और उसके बाद निकाल लें जैसे मैंने आज किया। तो अभी मैं इसको पीऊँगी, और क्योंकि चाय तो मुझे बहुत ही पसंद है, बहुत ज़्यादा तो पीना ही रहता है मुझे चाय, भले से ये हेल्थ के लिए नुकसान हो या जो भी, लेकिन कोशिश करना यही चाहिए कि हम वैसे पिएँ जो हमें नुकसान ना करे। तो चाय मेरी रेडी है और ये है मसालेदार चाय। हालांकि मसालेदार चाय भी बहुत तरह से बनती है, बहुत लोग अपनी अपनी तरह से बनाते हैं, बहुत सारा मसाला डालते हैं, बट मेरी मसालेदार चाय ये है और अच्छी है टेस्ट में, स्मेल में एंड हेल्थ के लिए भी। सुबह से शाम कब हो जाती है बिल्कुल भी पता नहीं चलता। दिन हालांकि थोड़े बड़े हो गए हैं सर्दियों से, तो थोड़े बड़े हो गए दिन, उसके बावजूद दिन का बिल्कुल पता नहीं चलता कि दिन कहाँ चले जाते हैं। सुबह से जितना भी काम प्लान करो, हालांकि कोशिश करती हूँ कि सारे काम कर लूँ जितना भी मैंने प्लान किया, फिर भी कुछ ना कुछ लगता है कि अधूरा है, मतलब बिल्कुल पता नहीं चलता दिन का। और शाम में बिल्कुल थक जाती हूँ, शाम तक एकदम मैं लगता बस अब कुछ नहीं करना है। तो आज का भी दिन बिल्कुल पता नहीं चला, सारा बिजी बिजी डे था, बिजी बिजी काम थे। तो आज का ये था मेरा ब्लॉग, और अब थक गई हूँ, आराम करूँगी और फिर अपना ये ब्लॉग एडिट करूँगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर, टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।